करनाल के महिला आश्रम में रह रही 40 के करीब महिलाओं की जिंदगी खतरे में दिखाई दे रही है, क्योंकि जिस बिल्डिंग में वे रह रही हैं उस बिल्डिंग की हालत बिल्कुल खस्ता हो गई है, जिसके चलते गत रात्रि एक बिल्डिंग का लेंटर गिरने से एक महिला घायल हो गई। महिला ने बताया कि रात के समय जब वह खाना बना रही थी तो ऊपर से लेंटर गिर गया, जिससे कि उसके बाजू में गंभीर चोट आई है। उन्होंने प्रशासन से अनुरोध किया है कि उनके रहने की व्यवस्था को दुरुस्त करवाया जाए। महिला आश्रम में रह रही महिलाओं ने कहा कि यहाँ पर बाहर से आकर कूड़े के डंपर भी डाल जाते हैं, जिससे यहाँ गंदगी का माहौल बना हुआ है और बीमारी फैलने के आसार बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी तरफ ध्यान दे ताकि वह अपना जीवन गुजर बसर कर सके। सर, मैं रात को 10 बजे यहाँ सो रही थी और मेरे ऊपर अचानक ही ये टाइप हुआ, लेंटर जैसे लेंटर गिर गया है मेरे ऊपर, और मेरे को पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर क्या हुआ है। मैं एकदम घबरा गई और जैसे मेरी जान भी चली जाती थी सर, मेरे जाते जाते जान बच गई, बस पता नहीं क्या हुआ कि ऐसे मैं घबराई हुई हूँ रात की। और सारा हादसा होने के बाद मैं ना रात को मैंने सोचा कि मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैं बहुत डर रही थी। फिर मैं उसी टाइम 12:10 में मैडम के घर गई हूँ कि मैंने मैडम जी को बोला है कि मेरे को ऐसे ऐसे हादसा हुआ है, मैं बहुत घबराई हुई हूँ। तो मैडम देख लो ये टाइम आ गया। मेरे को उसने ये नहीं पूछा कि कैसे हुआ है तेरे साथ ये हादसा, किसी ने कोई दवाई कोई भट्टी, जैसे हम उनकी संस्था में रह रहे हैं उनके सर पे हम यहाँ बैठे हैं, वो हमारे लिए यहाँ सब कुछ है, कि उन्होंने आके हमारे को कोई संभाला नहीं है, पूछा नहीं है कि सुबह से मैं ऐसे ही बैठी हूँ, कि किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या दर्द है। वीना देवी है सर मेरा नाम। कहाँ की रहने वाली आप? मैं सर डिस्ट्रिक्ट कैथल डोर खुराना की रहने वाली हूँ और यहाँ 2015 में आई थी सर। तो जैसे कि मैं सो रही थी मेरी जान जा सकती थी सर, और मेरी मैं अपनी बेटी के लिए जिंदा हूँ, मैं उसी के लिए सब कुछ हूँ, तो आज मेरे बच्चे रुड़ गए होते और हम यहाँ अकेले कब तक पड़े रहेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो सरकार से यही विनती कर रही हूँ, बार बार अपील कर रही हूँ मोदी सरकार से कि मोदी सरकार को हमने दोबारा इसीलिए बनाया है कि हमारी सुनवाई हो, हमारे को आश्रम से निकाला जाए, हमारे लिए कुछ करे। अगर यहाँ रखना है तो यहाँ टूटे फूटे मकानों में क्यों रख रहे हैं हमें? कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी हमारी जान सकती है। हम अकेली औरतें हैं, कोई हमारे पास कोई आने के लिए आने जाने के लिए कोई जेंट्स नहीं आ सकता, कोई भाई भतीजा नहीं आ सकता। हम जैसे रात को अकेली पड़ी है, चाहे मर रहे हैं चाहे जी रहे हैं, कोई हमें कितने, नहीं संभाल। कितने लोग रहते हैं आपके यहाँ? यहाँ पे कुल मिला के 40 फैमिली होगी सर, तो सबके साथ यही है। बाकी मकान ठीक है? नहीं, कोई ठीक नहीं है, सबकी हालत बहुत ही खराब चल रही है और सब ऐसे ही रह रही हैं, बहुत परेशान है सब औरतें यहाँ की, और इनके लिए जल्दी से जल्दी मोदी सरकार कुछ करे।